अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आप सब की तमाम दिली ख्वाहिशात पूरी हों, आमीन। वेलकम टू माय चैनल मास्टर फूड सीक्रेट। आज मौसम बहुत खुशगवार है, बारिश हुई है, इसलिए आज हम बनाएंगे आलू की कचौरी। और ये हम मैदे की बजाय बनाएंगे सफ़ेद आटे से। इसके लिए चाहिए उबले हुए आलू, मैंने लिए हैं आधा किलो, इनको उबाल लिया है, मैश कर लिया है। इसके लिए नमक हसबे जायका, कुटी मिर्च एक टेबल स्पून, हरी मिर्च 2-3 अदद ले लीजिएगा। मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने कटिंग नहीं की। और भुना ज़ीरा 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टी स्पून, सफ़ेद आटा चाहिए आधा किलो, नमक आप हसबे जायका डाल लीजिएगा, घी 2 टेबल स्पून चाहिए। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैश आलुओं में हम चीज़ें डाल के मिक्स कर लेते हैं। यह भुना ज़ीरा, कुटी मिर्च, अजवाइन और नमक। मैंने हरी मिर्च काटी नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं खाते, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं आटा गूंदना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा लिया है, इसमें नमक डालना है, अब इसमें घी डालना है। घी डाल के अच्छी तरह इसको ना मिक्स करना है। देखें आटा गूंद के नरम गूंदिएगा, ज़्यादा सख्त ना गूंदे, बेलने में तंगी हो। आधा घंटा आप इसको रख दें, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए आइए रेसिपी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह। फिर ऐसे फोल्ड करना है इसको। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। और ये देखिए मैंने दो तरह के बनाए हैं, एक ये जैसे हम गुत बनाते हैं अपनी वैसे बनाए हैं, और ये मैंने कटर से काटा है और इसके अंदर फिलिंग करके तो कांटे से निशान लगा दिए।
हल्की आंच पे बनाइएगा ताकि अंदर तक सीख जाए। देखिए कचौरियाँ कितनी अच्छी बनी है, डिफरेंट डिज़ाइन है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। यह आपकी तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। आप सबके देखने का और ताउन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जजाय खैर दें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।